देखते हैं रूम में क्या कर रहे हैं बच्चे। बच्चे पीछे देखते हैं जेब अंदर देखो कम्बल से बाहर निकाल पूरा निकालूंगा वीडियो। नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे आप सब लोग। और बहुत दिनों का ब्लॉग आ रहा है, समय नहीं था, बिजी थे, प्रधानमंत्री हो रहे हम, समय नहीं था। लेकिन अब ब्लॉग करेंगे जब भी समय मिलेगा। तो क्लास से बस आई थे, क्लास ओवर हुई थी और सोचा ब्लॉग कर लेते हैं, मन कर रहा था ब्लॉग करने का तो चालू कर दिया। तो फिलहाल कुछ ऐसा है कि क्लास वगैरह ओवर हो चुकी है, मतलब आज की फिलहाल, और अब बस थोड़ा सा दोबारा से फ्रेश हो जाते हैं और फिर से देखते हैं। आज रात को वैसे पढ़ाई है क्योंकि इंटरनल वगैरह भी पास आ रहे हैं, तो बस पढ़ाई है तो थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है, तो व्लॉग वगैरह भी ऐसे ही आएंगे, रुक रुक के आएंगे। तो फिलहाल जो भी होगा, जैसे भी होगा, व्लॉग करने की कोशिश करेंगे और करेंगे व्लॉग आपके लिए, ज़रूर करेंगे व्लॉग। कुछ ऐसा सीन है हमारी बैल्कनी से, रूम की बैल्कनी से बढ़िया सीन है। ये सामने बरसीम खड़ी हुई है गाय भैंसों के लिए, बहुत ही खूबसूरत दिख रही है जो कि, और सामने पोल्ट्री फार्म भी है। ये बगल में आपका पॉन्ड है, जूम करके दिखाते हैं आपको। कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये आपके बहुत ही अच्छा व्यू आप देख पा रहे होंगे, बालकनी का है तो अच्छा है। तो ज़रा चेक करते हैं रात को क्या सीन होता है हॉस्टल्स के अंदर और अभी क्या हो रहा होगा हमारे बैचमेट्स के रूम में, देख के आते चलिए। ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं, पता करते हैं क्या कर रहे हैं रूम के अंदर। फिलहाल चलते हैं हमारे पार्टनर के पास जो कि रूम में नहीं था, दूसरे रूम में कुछ पका रहे हैं ये लोग, चोरी चोरी कुछ खाने की कोशिश कर रहे हैं, जाके इनकी चोरी पकड़ते हैं। ठीक है, मैदानता में तो ले जाने वाले थे लेकिन उसका बिल्ली इतना तगड़ा रहा कि देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे थ्री फेसर्स की एंट्री होते हुए और देखिए ये मैगी बन रही है, दरवाजा बंद कर लेना। देखिए डाल दी है ये मैगी डालती हुई, तो देखो यहाँ पे चोरी चोरी मैगी डाली जा रही है। चलो ठीक है, चोरी चोरी मैगी डाली जा रही है, खाई जा रही है, मतलब बनाई जा रही है। मसाला डाले कप प्लेट ले जाए, देखो देखो ये आउट हो जाए ना खाई के। आज इनकी चोरी पकड़ी गई है, ध्यान से देख लड़के को, चोरी पकड़ी गई है और इसकी भी चोरी पकड़ी गई है। वो देखिए मैगी बनती हुई, दूसरे कमरे में चलते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। चलिए वो देखते हैं रूम में क्या कर रहे हैं बच्चे। बच्चे पीछे देखते हैं, लिखा हुआ है डू नॉट डिस्टर्ब आफ्टर 10 PM, बट हम आए हैं 10 PM से पहले तो हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं इसका मतलब। अरे खोलो भाई, खोल खोले, इनको कौन है अभी बताते हैं, जब ये खोलेंगे कौन है बताते हैं अभी इनको। जी बंद है देखो कम्बल से बाहर निकाल गया, सारे सजा तोड़ दिया होता सारे ने यार, दिमाग खराब कर रहे एकदम। इतना जुल्म सहा है मैंने। तुमने? हाँ। तुमने दूसरे को जुल्म दिया है वो? क्या जुल्म दिया हमने? दगा कर दिया हमने तुम्हारे रूम में आके। क्या कर दिया तुमने? दगा कर दिया हमने रूम में आके तुम्हारे। अब रूम के बाहर ना वो नंबर लिखेंगे फोन अपना। अच्छा। और बोलेंगे कि जिसको अंदर आना हो तो पहले कॉल करें, उसके बाद दरवाजा खुलेगा। ट्रेस पासिंग लगेगी? हैं? ट्रेस पासिंग नहीं होगी, बस वही होगा। अच्छा,
देखो उसमें लगा हुआ, तो वहां पर लिखा हुआ है 10 बजे के बाद आना मना है, पर हम 10 बजे से पहले आए हैं तो हमने कुछ रूम नहीं किया है, ठीक है? नहीं, अब 10 बजे के पहले वाला भी कुछ कंडीशन बनाएंगे, तो बनाओ ना पहले, अभी तो कोई कंडीशन ऐसा है ये ब्लॉग गया तेल लेने। एक जगह तो बहुत भारी पड़ गया रूम में घुसना, तो इसी के साथ अब हम अपना पढ़ाई का अध्ययन, क्या कहते हैं उसको, हाँ अपना अध्ययन कंटिन्यू रखते हैं, जारी रखते हैं, जारी, हाँ तो अपना अध्ययन जारी रखते हैं, तो अध्ययन करते हैं थोड़ा सा, फिर खाना वाना खाने जाएंगे मैस में, फिर वही है थोड़ा पढ़ेंगे पढ़ेंगे सो जाएंगे, सुबह उठेंगे क्लासरूम जाएंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे सो जाएंगे, यही तो है और क्या होता है, थोड़ी बहुत मस्ती कर लेंगे बस, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है, यही तो है जिंदगी, यही तो है जिंदगी, बस यही यही। ब्रेकफास्ट करते हैं और आपसे बोलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद, अच्छा एक क्वेश्चन था कि ब्रेकफास्ट जो है उसको ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं, ठीक है तो बताइएगा कि ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि पिच बनानी है क्योंकि हो रहा है VPL वेटनरी प्रीमियर लीग, हमारे कॉलेज में हमारे सीनियर्स करवा रहे हैं वेटनरी प्रीमियर लीग, तो पिच बनानी है तो उसके लिए पहले लगेगा फावड़ा, क्योंकि वो भी पिच पिच बनानी है तो उसके लिए उसमें जो घास वगैरह है उसको भी साफ़ करना है, तो फावड़े लेने जा रहे हैं, वो सारा काम हम पैदल करेंगे क्योंकि अपने पास अभी बाइक नहीं है, अपन अभी गरीब है, क्या है अपन गरीब, तो जाते हैं फावड़े लेके आते हैं, कम से कम 2 किलोमीटर चलना है अभी, मतलब अभी तो बस पहुँच गए फावड़ा लेने, वहाँ से फावड़ा लेने के बाद सीधे जाएंगे ग्राउंड पर और फिर पिच बनाएंगे तो वो भी दिखाएंगे, फिर VPL दिखाऊंगा मैं आपको, VPL होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, और PG स्कॉलर्स भी होंगे और साथ में फैकल्टी मेंबर्स भी होंगे, तो और हमारे बहुत मज़ा आएगा, कैप्टन और हमारे कैप्टन उमेश यादव रहेंगे, वाइस कैप्टन मैं हूँ, तो देखते हैं क्या कर पाते हैं हम फर्स्ट ईयर के लड़के। इसी के साथ फावड़ा तो मिला नहीं तो क्योंकि फावड़ा पहले पहुँच चुका है हमारे साथ, जो चल लिया आयुष गोविल और ये लड़का हमारे साथ में, ये लड़के मतलब इनका तो चमत्कार है, वो चमत्कार किस दिन फुर्सत सुनाएंगे हम, ठीक है ये फुर्सत की बात है बाद में सुनाएंगे, अभी फिलहाल ग्राउंड पहुँचते हैं क्योंकि बॉस लोग खड़े हुए हैं वहाँ पर। Here the preparation starts for the pitch. के बाद फेस रोलर को थोड़ा सा घुमा देंगे तो फ्लैट हो जाएगी पिच, और पूरी तैयारी चल रही है इस समय पिच होने की, और फिर क्योंकि परसों से स्टार्ट हो रहा है VPL वेटनरी प्रीमियर लीग @SVPU80, तो फिर मज़ा लेंगे, चलिए